हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल स्टारर मूवी गदर 2 के बेस्ट दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ हम जानेंगे दोस्तों इस मूवी के बेस्ट दिनों के टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही दोस्तों इस मूवी से कंपेयर करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी पठान के बेस्ट दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। और जानेंगे दोस्तों बेस्ट दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से किस मूवी ने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बनी इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी मूवी, कौन बने इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लेते शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों शाहरुख खान और सनी देओल को इंडिया का बेस्ट एक्टर मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दोस्तों दिल से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते पठान मूवी के बारे में। पठान मूवी को दोस्तों 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था। वहीं इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनाया गया था। पठान मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस मूवी को दोस्तों दुनिया भर के अंदर 8,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों पठान मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम अहम किरदार में नजर आए थे और साथ ही दोस्तों सलमान खान का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिला था। बात करें दोस्तों पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और दूसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन दोस्तों इस मूवी ने ऑल ओवर इंडिया से 39 करोड़ 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। इसी के साथ दोस्तों पठान मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 330 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 636 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। बात करें दोस्तों पठान मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे हफ्ते में पठान मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 228 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ दोस्तों पठान मूवी के अभी तक के कलेक्शन की बात करें बेस्ट दिनों के दोस्तों, तो पठान मूवी ने दोस्तों अपने 21वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 26 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 20वें दिन अपने 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था इंडिया से। वहीं दोस्तों पठान मूवी के बेस्ट दिनों के टोटल कलेक्शन की बात कर लें, तो इस मूवी ने बेस्ट दिनों में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 501 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 973 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों पठान मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉप ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो सनी देओल स्टारर मूवी गदर 2 के बेस्ट दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर 20वां दिन चल रहा है। बात करें दोस्तों इस मूवी के बजट और कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों गदर 2 मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 40 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था और दूसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन दोस्तों गदर 2 मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। बात कर लें दोस्तों गदर 2 मूवी पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ 63 लाख रुपए कमाए थे और पहले हफ्ते में दुनिया भर से दोस्तों 369 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। गदर 2 मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें, दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और दूसरे हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 176 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसी तरह दोस्तों गदर 2 मूवी ने 15वें दिन 7 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। दोस्तों 16वें दिन इस मूवी ने 13 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और दोस्तों गदर 2 मूवी ने 17वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और 18वें दिन दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों काफी ड्रॉप आते हुए 4 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। 19वें दिन दोस्तों इस मूवी ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी के 20वें दिन के कलेक्शन की बात करें, तो 20वें दिन दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और दोस्तों 21वें दिन इस मूवी ने 8 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और दोस्तों आज इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 20वां दिन, दोस्तों आज ये मूवी 20वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के बेस्ट दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर
486 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 631 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों गदर 2 मूवी कलेक्शन के हिसाब से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी तक के कलेक्शन के हिसाब से गदर 2 ने पठान के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। लेकिन दोस्तों क्या है आपका मानना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान की मूवी जवान का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों, जो दोस्तों काफी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। वही दोस्तों साथ ही जवान मूवी की एडवांस बुकिंग भी दोस्तों आज से खुल चुकी है दोस्तों। अब शाम को अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें दोस्तों जवान मूवी की फाइनल डे 1 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। मिलना शाम को जरूर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।